जय हिंद प्यारे मित्रों, पोस्ट ऑफिस GDS का सेकेंड लिस्ट जारी हो गया है, जिसमें से सभी राज्य का जारी हो गया है। आप अपना अपना राज्य का PDF देख सकते हैं और अपना मेरिट लिस्ट में नाम देख सकते हैं, मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो आपको देखने के लिए सिंपल सा इसकी वेबसाइट पर आ जाना है। अगर इसकी वेबसाइट सर्च करने नहीं आ रहा है तो आप दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सभी राज्य आपको शो होने लगेंगे। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य पर क्लिक करना है और आपको सेकेंड लिस्ट का क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे कि शेड्यूल जुलाई शॉर्ट लिस्ट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा सभी राज्य का। अब इस पर जैसे सभी राज्य में है तो आप जिस भी राज्य का मतलब कि डाउनलोड करना चाहेंगे आप उस राज्य पर क्लिक कर देना है। ठीक, तो मैंने यहाँ से मान लेते हैं कि इसमें हम मैंने दिल्ली को देखना, तो दिल्ली पर ऐसे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे सेकेंड लिस्ट पर आपको आना है और सेकेंड लिस्ट पर ऐसे क्लिक करना है। जैसे करेंगे तो आपके सामने PDF डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से अपना कट ऑफ वगैरह और मेरिट लिस्ट में नाम देख सकते हैं। इसी प्रकार से मतलब सभी राज्य का, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। मेरा नेटवर्क अभी स्लो है, डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। जैसे डाउनलोड होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक, अब आप इसी प्रकार से डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए डाउनलोड हो गया और यहाँ से अपना नाम और यहाँ पे कैटेगरी और यहाँ पे परसेंटेज देख सकते हैं कितना कट ऑफ वगैरह गया हुआ है। तो मैंने ये दिल्ली के खोला है, यहाँ पे सारे चीज़ यहाँ पे शो होने लगेंगे कि कितना कट ऑफ गया है और कितना पर उठाया है। ठीक, सभी कैटेगरी का इसी प्रकार से सभी आप स्टेट का देख सकते हैं और अपना नाम इसमें खोज सकते हैं कि मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। एक चीज़ आपको बता दें कि देखिए ये अभी सेकेंड लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट जारी हुआ था 10-15-20 दिन के बाद सेकेंड लिस्ट जारी हुआ, फिर 10-15 दिन के बाद आपको थर्ड लिस्ट जारी होगा। मतलब कुल 4-5 लिस्ट जारी होंगे, मतलब उसमें से उतना बंदा को सिलेक्शन लेगा जितना उसमें सिलेक्शन में आपको मतलब कि पोस्ट था। जैसे 44,000 कुछ था तो 44,000 कैंडिडेट को सेलेक्ट करेगा। तो 44,000 कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मेरिट लिस्ट में जैसे नाम शो हुआ, ठीक है, तो आपको बुलाया जाएगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे अगर मान लेते हैं कि आपका अगर ओरिजिनल अगर सभी डॉक्यूमेंट होगा तभी उसमें आप सेलेक्ट होइएगा, नहीं तो फिर वहाँ से भी आप रिजेक्ट हो जाइएगा, याद रखिएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट में सारा चीज़ ओरिजिनल बना के रखिएगा और ओरिजिनल ही रहना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो नाम अगर शो हुआ तो आप जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारा चीज़ करवा लीजिएगा, उसके बाद आगे के प्रोसेस होते रहेगा जब तक 4-5 लिस्ट जारी ना हो जाए, ठीक है ना। तो मेरे चैनल से जुड़े रहना, इस चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट होगा हम सारा चीज़ इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे और सारा चीज़ गाइड करते रहेंगे। ठीक, इंतजार करना जिन बच्चों को नहीं आया वो थर्ड और फोर्थ मेरिट लिस्ट के लिए। ठीक, आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर आपका 90% से ऊपर है तो, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से हैं, ध्यान में इस चीज़ को रखना, ठीक है ना, हौसला बना के रखना, जरूर सिलेक्शन होगा। चलिए बाकी इस चीज़ को लेकर मैं आपको फाइनल एक वीडियो बनाएंगे जब 4-5 अगर मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा, उसके बाद सारा चीज़ हम इस पर कुछ ऐसे मैंने अपना बात रखेंगे जिसमें GDS की जो है ना एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि फेक नंबर और फेक मार्कशीट बनाकर इसमें फॉर्म वगैरह भर दिए हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे फ्रॉड भी हो चुके हैं और फ्रॉड के ऐसे मुद्दे बन चुके हैं, इस पर बात करने वाले हैं। तो मेरे चैनल से जुड़े रहना, मेरे को सपोर्ट जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है, जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।